वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं निसान किक्स के बारे में। इस गाड़ी में आपको टोटल सिर्फ दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक्सएल एंड एक्सवी, एंड दो ही इंजन ऑप्शन रहेंगे, एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन एंड एक 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। अभी जो हमारे सामने आप देख रहे हैं ये है एक्सवी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, जिसका शोरूम प्राइस आपको पड़ेगा 9,99,990 रुपीज़, एंड ऑन रोड प्राइस जम्मू का रहेगा 11,37,362 रुपीज़। बाकी कलर चॉइसिस की बात करें तो इसमें आपको टोटल 6 कलर ऑफर किए गए हैं, डीप ब्लू पर्ल, पर्ल वाइट, नाइट शेड, ब्लेड सिल्वर, ब्रॉन्ज ग्रे एंड फायर रेड। बाकी फ्रंट की बात करें तो आपको क्रोम सराउंडिंग्स के साथ ग्रिल देखने को मिल जाएगी, फ्रंट चेक कर सकते हैं आप। सेंटर में निसान का लोगो रहेगा एंड ये ब्लैक मैट फिनिश में रहेगी ग्रिल। इसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा लाइसेंस प्लेट का ऑप्शन, मैट ब्लैक फिनिश में लोअर ग्रिल है, सिल्वर स्किड प्लेट, एंड यहाँ आपको मिलते हैं हैलोजन हेडलैम्प्स, फेक एयर डैम्स एंड ये है कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको मिलती है 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। चलिए अब चल लेते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे। यहाँ आपको दिए गए 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में। साइज की बात करें तो इनका साइज रहेगा 215 60 R17, चेक कर सकते हैं आप। व्हील क्लैडिंग एंड आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल वॉल्यूम्स विद टर्न इंडिकेटर। बाकी गाड़ी की लेंथ की बात करें तो 4384 mm लेंथ एंड 1669 mm हाइट है गाड़ी की। फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे आपको इसमें, एंड 2673 mm का व्हील बेस है। चलते हैं रियर सेक्शन में। सो ऐसा कुछ रहेगा गाड़ी का रियर लुक। टॉप रूफ की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा शार्क फिन एंटीना एंड सिल्वर रूफ रेल्स, हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर, वाइपर, निसान का लोगो एंड ये है नॉर्मल टेल लैंप्स। किक्स की बैजिंग, ये रियर पार्किंग कैमरा आ गया आपका, लाइसेंस प्लेट का ऑप्शन एंड ये आपको दिए गए हैं रिफ्लेक्टर्स एंड ये पूरा पार्ट ब्लैक में है, सिल्वर स्किड प्लेट, रियर पार्किंग सेंसर्स। गाड़ी की कीज चेक कर लेते हैं एक बार, ऐसी कुछ रहेंगी गाड़ी की कीज लॉक अनलॉक के बटन के साथ। चलिए अब कर लेते हैं एक बार गाड़ी का टेल गेट ओपन। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 400 लीटर्स का बूट स्पेस, डिटैचेबल पार्सल ट्रे है, एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो रियर पैसेंजर्स भी यहाँ से बूट को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इसके नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लगेज लैम्प, ग्रॉसरी हुक, एंड स्पेयर व्हील आपको यहाँ नहीं मिलता है, स्पेयर व्हील आपको नीचे अटैच मिलेगा। बाकी गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं इसे क्लोज एंड चलते हैं गाड़ी के रियर सीट्स पे। एंड 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक दिया गया एंड ये है गाड़ी का रियर डोर ब्लैक एंड ग्रे फिनिश में, सिल्वर डोर हैंडल्स हैं, यहाँ पे फैब्रिक फिनिश दी गई है, पावर विंडो के कंट्रोल, बॉटल होल्डर, स्पीकर एंड ये आपको सीट्स दी गई हैं फैब्रिक अपहॉल्स्ट्री के साथ। अंदर चल लेते हैं, 5'11" मेरी हाइट है, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लेग स्पेस मिल रहा है। रियर एसी वेंट्स क्रोम सराउंडिंग्स के साथ एंड यहाँ पे एक 12 वॉट का पावर आउटलेट दिए गए, ग्रैब हैंडल्स, रियर आर्म रेस्ट विद ट्विन कप होल्डर एंड हाइट एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट दिए गए, कैबिन लाइट एंड ऐसा कुछ रहेगा डैशबोर्ड का लुक रियर से ब्लैक एंड ग्रे कॉम्बिनेशन में।
चलिए चल लेते हैं गाड़ी के फ्रंट सीट्स पे। सो यह है गाड़ी का ड्राइवर डोर, ब्लैक एंड ग्रे फिनिश में, सिल्वर डोर हैंडल, ORVM कंट्रोल्स, ऑल पावर विंडो कंट्रोल्स, फैब्रिक फिनिश, सिल्वर फिनिश, बॉटल होल्डर, स्पीकर एंड ऐसी इवेंट के सराउंडिंग में आपको सिल्वर एंड पियानो फिनिश देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी कुछ टेक्सचर दिया गया। इसके नीचे हेडलैम्प लेवलर एंड इल्यूमिनेशन कंट्रोलर एंड कुछ डमी बटन दिए गए हैं। यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है एंड फैब्रिक सीट अपहॉल्स्ट्री मिलती है आपको एंड ड्राइवर सीट विद हाइट एडजस्टमेंट मिलेगी। चलते हैं इंटीरियर में अब। सो ऐसा कुछ रहेगा गाड़ी का इंटीरियर। ऑन कर लेते हैं गाड़ी को। सो यह है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा RPM एंड डिजिटली आपको स्पीड दिखाएगा एंड राइट साइड पे फ्यूल गेज दी गई है, वार्निंग लाइट्स, आउटसाइड टेम्परेचर दिखाया गया, फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर, एवरेज फ्यूल कंजप्शन एंड डोर ओपन वार्निंग जैसी इन्फॉर्मेशन शो करेगा ये। एंड यह है गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसमें आपको मिलेगा सिर्फ टिल्ट का फंक्शन, टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा ये। एंड इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे हेडलाइट के कंट्रोल्स एंड यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसी के साथ आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम एंड टेलीफोनिक कंट्रोल्स दिए गए हैं। वॉइस कमांड के कंट्रोल्स भी आपको यहीं पे मिलेंगे। निसान का लोगो एंड यहाँ सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी आपको। स्टेयरिंग पे कोई भी बटन नहीं दिए गए हैं एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्लोटिंग 8-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करेगा ब्लूटूथ, USB, ऑक्स एंड रेडियो। इसके अलावा इसमें आपको मिलेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, साइड पे नॉब्स भी दी गई हैं। और भी काफ़ी फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे आपको इसमें। टाइम दिखाएगा आपको ये, सेटिंग्स, FM, डिस्प्ले सेटिंग्स एंड इसके नीचे आपको शॉर्टकट कीज भी दी गई हैं। वॉल्यूम नॉब्स, हजार स्विच, डोर लॉक का बटन एंड यहाँ इस पूरे पैनल पे आपको कार्बन फाइबर जैसे फिनिश देखने को मिल जाएगी एंड यह ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की यूनिट, 12 वॉट का पावर आउटलेट, USB एंड ऑक्स सॉकेट, फोन स्पेस एंड यहाँ गियर के सराउंडिंग में भी आपको स्लो फिनिश देखने को मिल जाएगी एंड यह 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स, हैंड ब्रेक एंड यहाँ आपको मिलता है फिक्स्ड आर्मरेस्ट विदाउट स्टोरेज रहेगा ये। एंड यह है गाड़ी का डैशबोर्ड, काफ़ी अच्छी फिनिश देखने को मिल जाएगी आपको इस पर। एसी वेंट, यह है गाड़ी का ग्लोव बॉक्स विद इल्यूमिनेशन, काफ़ी डीप स्पेस मिलेगी आपको इसमें। मैनुअल ORVM दिया गया, ड्राइवर सनवाइजर, यहाँ पे आपको वेंटी मिरर देखने को मिल जाएगा। कैबिन लाइट एंड यहाँ ये शो करेगा सीट बेल्ट एंड एयरबैग रिमाइंडर। ये आपका क्या ड्राइवर सा सनवाइजर विद एयरबैग वार्निंग एंड वेंटी मिरर, ग्रैब हैंडल। सो ये था गाड़ी का इंटीरियर। चलिए अब कर लेते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में बात। सो गाइस ये है गाड़ी का इंजन लेआउट। बोनेट पे आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाएगी। इंजन की बात करें तो इसमें आपको दिया गया 4-cylinder 1.5-liter पेट्रोल इंजन जो पावर प्रोड्यूस करेगा 105 BHP की विद 142 Nm मैक्सिमम टॉर्क। सो ये थी गाइस ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।